वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सताक्षी बघेल। सो आप टाइटल एंड थंबनेल से तो ऑलरेडी जान चुकूंगी कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। सो आज का वीडियो है मीशो हॉल टॉप एंड शर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके स्टार्टिंग प्राइस ओनली 130 एंड इनकी क्वालिटी टॉप नॉच है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। सो वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये सारे मैंने परचेस किए मीशो से, वन बाय वन मैं आपके साथ इसे शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टैंक टॉप किया जो मैंने अभी वेयर किया हुआ है। सो इसमें दो कॉम्बो मिलता है आपको, एक ब्लैक कलर का एक वाइट कलर का, कुछ इस तरीके का है, यू नेक का, बैक साइड से भी वही है सिंपल। एंड गेस इसकी प्राइस क्या हो सकती है, इसकी प्राइस है ओनली 130 रुपीज़। येस 260 में मुझे ये दोनों के कॉम्बो मिले हैं, बहुत ही अमेजिंग इसकी क्वालिटी है। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वाइट कपड़े पहनने में, क्योंकि ना ये सी थ्रू होते हैं, बट ये वाइट वाला बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, फिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आपके पास ये बेसिक टैंक टॉप तो होना ही चाहिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कितना ज़्यादा फिटी लग रहा है। एंड आप इसे डिफरेंट वे में स्टाइल भी कर सकते हैं, सो ये तो मस्ट हैव है। 130 में आपको इससे अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं मिल सकती है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, चाहे वो मेरी यूट्यूब चैनल के लिए क्यों ना हो, उनका मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। एंड अभी मदर्स डे आ रहा है तो मैं अपनी मम्मी को थोड़ा सा स्पेशल फील कराना चाहती थी, तो इसलिए मैंने मम्मी के ऑर्डर किया कि जूक का हैंड बैग, जूक का ऑलरेडी मेरे पास स्लिंग बैग है, उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने मम्मी के लिए भी ये हैंड बैग ऑर्डर किया है। एंड जूक अगर आपको पता नहीं है ना, तो इसमें आपको डिफरेंट स्टाइल के आपको हैंड बैग स्लिंग बैग मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ इनके फुटवेयर कलेक्शन भी है, सारे के सारे वीगन है एंड ये प्राउड एक इंडियन ब्रांड है। मुझे इसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जूक के बैग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है, आप इसमें बहुत सारे सामान कैरी कर सकते हैं, फिर भी इसमें स्पेस कहीं ना कहीं बच जाता है। सो मुझे इसका प्रिंट एंड लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अपनी मम्मी के लिए परचेज किया है। सो अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं, अपनी मम्मी का स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं YDSHAPAKSHI12, जिससे कि आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिलेगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, हैप्पी मदर्स डे। तो जो मैंने नेक्स्ट टॉप परचेज किया कुछ इस तरीके का रेड कलर का है, इसकी नेक लाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगी थी। बाय द वे इसकी प्राइस है 221 रुपीज़ एंड इसमें मैंने स्मॉल साइज ऑर्डर किया है। एंड आप वीडियो में देख सकते हैं इसका जो फिट है, लुक है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, आपको इसमें डिफरेंट कलर भी मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली मैं दूसरे कलर भी जरूर परचेज करूँगी इसमें। एंड हाँ, इसका थोड़ा सा कलर जाता है, इसे मैंने वॉश कर चुका है एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 221 के हिसाब से वर्थ इट, आपको इसे ज़रूर परचेज करना चाहिए। सो जो मैंने थर्ड टॉप लिया वो कुछ इस तरीके का है, ब्राउन कलर का, फुल स्लीव आपको मिल जाती है। एंड हाँ, ये बिल्कुल भी आपको ज़्यादा गर्म फील नहीं करेगा, क्योंकि ये पतला है इसका कपड़ा एंड टैनिंग से आपको प्रोटेक्ट भी करेगा यार। एंड आपको यहाँ पे ना इस तरीके का कॉलर मिल जाता है, आपको तो वीडियो में दिख रहा होगा मैंने वेयर किया है। सो इसकी प्राइस आई थिंक मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, 200 ही कुछ था, 230 या 250 था। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे फिट आया, मैंने इसमें भी स्मॉल साइज ऑर्डर किया था। बट ये इस टाइप का मटेरियल है ना कि आप इसे वॉश करके अगर आप रस्सी में इसे कैसे डाल देंगे तो उसका साइज़ एंड शेप चेंज हो जाएगा। सो क्वालिटी मुझे ओके लगी, अदरवाइज फिट आई लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये ऑप्शन अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ये शर्ट ब्लैक कलर का, इसमें भी मैंने स्मॉल साइज ऑर्डर कराया, ओके, बहुत ही अमेजिंग इसकी क्वालिटी है। इसकी प्राइस आई थिंक 250 या 260 मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन कर लूँगी। स्मॉल साइज़ मैंने ऑर्डर कराया है, बहुत ही अमेजिंग कॉटन मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा शाइनिंग मटेरियल है, बट बहुत ही अमेजिंग है, कोई बोलेगा नहीं कि 250 का आपने शर्ट पहना हुआ है। तो इसकी स्लीव आपको फुल मिल जाती है, कॉलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आप ब्लैक कलर का ना आपके पास शर्ट होना ही चाहिए, आप इसे डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है क्रॉप टॉप के साथ, तो आप इसे ना ओवर साइज शर्ट की जैसे आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आप यहाँ पे देखिए कि ये बटन आपको नहीं दिखता, उसके ऊपर से भी आपको एक कवर अप जैसा मिल जाता है, जिससे कि ये बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। और इसकी साइज़ मैंने ली थी स्मॉल। जो लास्ट है वह ये वाइट कलर का शर्ट, वाइट एंड ब्लैक कलर का चेक चेक में कुछ इस तरीके का है। स्लीव आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है, ओके,
क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सी थ्रू है। आप इसे इसके अंदर कैमसोल डाल के आप वेयर कर सकते हैं, बट मैं इसे ना स्टाइल करने के लिए ओवर साइज शर्ट की जैसे स्टाइल करने के लिए मैंने ऑर्डर किया है। बहुत ही प्यारा दिखता है, बिल्कुल नहीं, क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इसका जो फिट है, लुक है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, और कुछ बताने के लायक नहीं है, आपके पास एक वाइट शर्ट तो होना ही चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। इतने ही मैंने भी परचेज किए हैं, एंड मैंने कुछ कुछ और भी परचेज किए थे, बट उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। आप उसे बिल्कुल भी परचेज मत करिएगा, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब आई थी मुझे। एंड यार दैट्स इट, अगर आपको ये हॉल पसंद आया हो तो वीडियो करिएगा लाइक शेयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जो भी मैंने शो किया उन सबका जो कोड है या लिंक मिलेगा मुझे, उन सबको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, जो मेरे इंस्टा आईडी है वो है सताक्षी वकील। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।